हेलो नमस्ते दोस्तों, आई होप आप लोग मस्त होंगे। मेरे किचन गरमा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और चलिए हम बनाते हैं एकदम नए तरीके से आज नाश्ता, वो भी गेहूँ के आटे से। और देखिए मैंने एक कप गेहूँ का आटा लिया है और इसे चलिए हम बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता। बस गेहूँ के आटे से तैयार करेंगे, कोई मैदा नहीं और कोई बेसन नहीं, बस इसे ही बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। और देखिए हमने एक कप गेहूँ का आटा लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम जीरा क्रश करके डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसमें नमक ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, बस एक चम्मच। और इसे हम अच्छे से स्वादिष्ट नाश्ता बनाने जा रही हूँ। और वो भी मैं मैदे से नहीं बना रही हूँ, बस एक कप देखिए मैंने लिया है गेहूँ का आटा। और इसे जैसे आटा हम लोग बनाते हैं, आटा गूंथ कर तैयार करते हैं, उसी तरह से हमें इसे बनाना है। देखिए इस तरह से हमें डो बनाना है। और देखिए ज़्यादा नरम भी नहीं चाहिए और ज़्यादा कड़ा भी नहीं, सख्त नहीं चाहिए हमें। और इस तरह से हमें डो बनाकर तैयार कर लेना है। और इसे हम टमाटर को काटे हैं, एक टमाटर है इसमें हम डालेंगे। और ये देखिए प्याज है, मैं इसमें आधा प्याज डाल दे रही हूँ। देखिए धनिया मैंने काटा था, इसको डाल रही हूँ। एक थोड़ा सा जीरा मैंने पीसा था, उसे डाल दे रही हूँ। इधर चाट मसाला हम डालना है। और इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्ची आप काट के भी डाल सकते हैं। और देखिए मैंने लाल मिर्ची इसमें पिसा है, लाल मिर्ची को डालते रहिए। स्वाद अनुसार आप तीखा आप कर सकते हैं। और इसे अच्छे से हम पीस लेंगे। देखिए हमने मसाला अच्छे से सेविंग बना तैयार कर ली है। और इसे आप लोग नींबू डालना चाहते हैं तो नींबू भी डाल सकते हैं, खट्टा करना चाहते हैं किसान के जो है किसान के जो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसी तरह से आप लोग को नाश्ता बना कर दिखा रही हूँ। और एकदम मानिए विश्वास कीजिएगा स्वादिष्ट नाश्ता बनेगा। आपने पहले ने बनाया होगा ना, खाया होगा, इस तरह से आप एक बार जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। अगला स्टेप है, देखिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और इसमें मैं बनाना है। और जो स्टेविंग हमने बनाया है उस स्टेविंग को अच्छे से हमें इस रोटी के ऊपर फैलाना है इस तरह से। और एकदम यूनिक नाश्ता मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वीडियो बने रहिएगा। और देखिए इसी तरह से सारे मसाले को अच्छे से हमें इसमें फैलाना है। देखिए अच्छे से हमने सारे स्टेविंग को अच्छे से फैला लिया है। देखिए ना ज़्यादा मैंने पतला किया है ना ज़्यादा मोटा किया, जिस तरह से रोटी आप लोग बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। और इस तरह से एक लेयर मैंने इस पे लगा दिया है, इस तरह से इस तरह से एक बार और कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा हाथ से, और जो बचा है उसको लेयर बस इस तरह से चिपका दीजिएगा। और देखिए मसाला इधर अभी मसाला नहीं है, जैसे हम इस तरह से काट के निकाल देंगे।
सारे हम जो भी काटे हैं उसका बना लेंगे अच्छे से। इसे इस तरह से भी फोल्ड करके आप बना सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने मसाला को अच्छे से मिला लिया है। ये अच्छा स्वादिष्ट हमारा नाश्ता बनेगा जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। इसी तरह सारे बैटर को अच्छे से बना लेना है। देखिए डिजाइन बनते आ रहा है और इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। और इस तरह से मैं फोल्ड कर रहा हूं। और देखिए जो भाग है उसका भरा भरा इसको इस तरह से हमें बस बना के कट करना है। देखिए मैंने एक डिजाइन आप लोग के साथ शेयर की है तो आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों अच्छे से हमने बना कर रख लिया है। और ये जो मैंने मैदा का घोल बनाया था उसी में मैं इसको डालूंगी। और देखिए इस तरह से डालकर इस तरह से चम्मच इस तरह से करेगा सारा लेयर जितना है मैदे का निकल जाए। और बस इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है। और देखिए तेल गर्म हो चुका है। इसे हम एक एक करके पलट देंगे। इसी तरह से हमें सबको पलट लेना अच्छे से। तो हमें इसे धीमे आंच पे ही पकाना है क्योंकि ये धीमे से ही बनेगा तभी हमारा ऊपर से सब का निशान अंदर से ना होगा। और देखिए इस तरह से हमने अच्छे से धीरे धीरे इसको फ्राई करके अच्छे से बनाया है। सामान से मैंने इतना स्वादिष्ट हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार किया है तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए इस तरह से सारा हमने एक कप गेहूं के आटे से हेल्दी नाश्ता बनाया है। और देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना है। देखिए हमने सारे को निकाल लिया अच्छे से। और इसको जो दूध मैंने एक्स्ट्रा बनाया था गेहूँ के आटे से देखिए कितना स्वादिष्ट नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया है और आप लोग को दिखा दे रहा है। और देखिए इधर हमने टमाटर की चटनी को भी रख दिया है। अब टमाटर की चटनी आम की चटनी समय तो आम का सीजन चल रहा है तो आप लोग
टमाटर आपकी चटनी हरी चटनी जो भी है उसे आप लोग खा सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा से बना है, मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। ऊपर से देखिए कितना खस्ट बना है और देखिए इस तरह से कितना कुरकुरा बना है, अंदर से एकदम सॉफ्ट बना है। देखिए तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिए कितना अच्छा से हमारा बना है, अंदर तक एकदम अच्छे से हो गया है और आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ। देखिए तो इस तरह से आप लोग बनाइए और खाइए और इंजॉय कीजिए। और एकदम हेल्दी नाश्ता है, बस गेहूँ के आटे से मैंने तैयार किया है बनाकर। तो आप लोग मैदे से बेसन से कई प्रकार से बनाते हैं, एकदम नए डिश है, नई रेसिपी है, तो आप लोग जरूर बनाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को मेरे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए आप लोग को भी मैं दिखा देती हूँ और खिला देती हूँ। और लीजिए इस तरह से आप लोग स्टफिंग करके खा सकते हैं सब करके, और एकदम हेल्दी नाश्ता बना है। चलिए अगले वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय।